नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने कुल 80 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग एलिमेंट। ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन एलिमेंट के लिए क्या होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में दोस्तों वैल्यू में बहुत एक्सेप्शन है, इसकी वैल्यू कुछ जगहों पे बढ़ती है, कुछ जगहों पे घटती है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, लिब वे कॉन फनी। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अब जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिथियम के नीचे पाया जाता है, जो बोरान के नीचे, जो बेरिलियम के नीचे, उसको इसी तरह से लिख देंगे और यही इंक्रीजिंग ऑर्डर इसके नीचे बना देंगे। तो लिथियम के नीचे हम जानते हैं पाया जाता है सोडियम, बोरान के नीचे क्या पाया जाता है, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे पाया जाता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे पाया जाता है सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे पाया जाता है फास्फोरस, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन। अब इसका ये यही इंक्रीजिंग ऑर्डर बना देंगे और यहाँ पे नियॉन। चूंकि हम ये हमने जो लिखा है ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो नियॉन यहाँ पे आ रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में नियॉन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर सिलिकॉन इसमें दिया नहीं है इसलिए मैग्नीशियम पे आ जाएंगे, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है सोडियम का। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल हैव सेम। जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, उनके पास सेम नंबर में क्या चीज़ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चूंकि हम जानते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो बेस्ड होता है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पे। और जो एलिमेंट होते हैं ईच ग्रुप में उनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में। मतलब जो एलिमेंट होते हैं ईच ग्रुप में उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बाइंडिंग। ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ए अर्थ एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो अर्थ एनवायरनमेंट में होती है क्योंकि। अब हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो दोस्तों वार्म करता है अर्थ सरफेस को, ये अर्थ सरफेस को वार्म करता है। जो सन की एनर्जी होती है वो रीच करती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, इसमें से कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, और रेस्ट जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और कुछ उसमें से रीरेडिएटेड हो जाती है। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग ऑफ हीट, दैट इज ट्रैपिंग ऑफ द हीट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, पोलर आइस इज मेल्टिंग,
नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एटमॉस्फियर होती है, ये रीजन पूछ रहा है बिकॉज, क्योंकि जो एटमॉस्फियर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है टू इंफ्रारेड एट द सम वेवलेंथ एंड ओपेक होता है इंफ्रारेड एट द अदर वेवलेंथ। तो इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि जो सन एनर्जी होती है वो रीच करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेस्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिरेडिएटेड हो जाती है, इसलिए एटमॉस्फेयर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है इंफ्रारेड के लिए सम वेवलेंथ और ओपेक होता है इंफ्रारेड टू अदर वेवलेंथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ द फंजाई दैट गेट मच ऑफ दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूटलिंग एंड लीव्स, तो उसे क्या कहते हैं? चूंकि हम जानते हैं जो फंजाई होते हैं वो, चूंकि हम जानते हैं जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये ग्रो करते हैं किस पे? डेड फंजाई सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे, और ये फंजाई यूज करता है एंजाइम को जो प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस में, और उसको कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। थोड़ा सा और फंजाई के बारे में बताएंगे, फंजाई जो होता है वो सिंबायोटिकली रहता है लाइकेन या माइको राइजल रूट के साथ। तो अभी हमने बताया फंजाई जो होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो करता है क्योंकि वो ग्रो करता है, तो ये जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है बाय द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये फंजाई में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्डलेस टेलीफोन एडवर्टाइजमेंट एज ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 MHz, दिस इज सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये हमको फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी हुई है वो 900 MHz में दी हुई है। अब मेगाहर्ट्ज का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये कितने पावर की बात कर रहा है, तो हम कुछ की वैल्यू जान लेते हैं। जेटा का मतलब होता है 10^21, पेंटा का मतलब होता है 10^15, टेरा का मतलब होता है 10^12, गीगा का मतलब होता है 10^9, और मेगा का मतलब होता है 10^6, और किलो का मतलब होता है 10^3, हेक्टो का मतलब होता है 10^2, और डेका का मतलब होता है 10^1। चूंकि हमें ये जो वैल्यू दी हुई है मेगा हर्ट्ज में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 900 इंटू मेगा हर्ट्ज की वैल्यू 10^6 अभी हमने बताया, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10^8 हर्ट्ज। अगर हम इसको 10 से ऊपर और नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9 × 10^9। अभी हमने बताया 10^9 की वैल्यू होती है गीगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 GHz। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 0.9 GHz। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैगेट्स, मैगेट्स क्या है? मैगेट्स जो होता है वो लार्वा होता है किसका? मैगट्स जो होता है वो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का, और ये ग्रो कहाँ करता है? ग्रो डेड टिश्यू डिवेरिस पे ये ग्रो करता है। अगर ये मैगेट इंजेस्ट हो जाए ह्यूमन बॉडी में, तो ये कॉज करता है
डिजीज लाइक बैक्टीरियल पॉइजनिंग। तो मैगेट क्या हो गया, मैगेट होता है लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई। तो हमारा ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, लार्वा ऑफ द फ्लाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक नॉन स्टिक कुक बेयर। ये पूछ रहा है क्या यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुक बेयर बनाने में। पहला ऑप्शन पॉलीस्टाइरीन, ये एरोमेटिक सिंथेटिक एरोमेटिक पॉलीमर है। ये बनता किससे है, ये बनता है स्टाइरीन से। यूज होता है मेकिंग टॉय रेडियो एंड टेलीविजन। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये यूज होता है एज थर्मोप्लास्टिक। ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होता है थर्मोप्लास्टिक के रूप में। जो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है इसको टेफ्लॉन कहते हैं। ये यूज होता है मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर में। तो ये ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है, मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन यूज होता है। और ये जो पॉलीइथाइलीन टेरेप्थेलेट है ये यूज होता है इन फाइबर फॉर क्लोथिंग और कंटेनर फॉर लिक्विड एंड फूड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अब हम पहले थोड़ा लेंस के और मिरर के बारे में जान लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसके सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सरफेस होता है। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। ये रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर लाइट, लाइट जो होती है वो किसी पॉइंट सोर्स से आती है कॉनकेव मिरर से होके, तो ये इसको बना देता है पैरलर टू इनफाइनाइट, मतलब पैरलर आ रही तो इनफाइनाइट बना देगा। अब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, ये जो होता है वो थिक होता है कहाँ पे, मिडिल में, और थिन होता है एज पे। और इसका जो सरफेस होता है वो बेंड होता है आउटवर्ड, और ये क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे लाइट रे ऐसे गिरी तो ये जाके यहाँ पे अपना फोकस कर लेगी, ये इसका फोकस पॉइंट है, मतलब ये एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है। इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये जो होता है वो थिन होता है मिडिल में, ये ऐसे होता है, ये थिन होता है मिडिल में और थिक होता है एजेस पे। इसका दोनों सरफेस जो होता है वो अंदर की ओर बेंट होता है, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये मेक क्लोजअप ऑब्जेक्ट स्मॉलर। तो अब हम इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉलमुलेट करता है लाइट रे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। तो अभी हमने कॉलमुलेट का मतलब ये पैलर वाली बात कही, ये अभी हमने बताया कि कॉनकेव मिरर में जो लाइट आती है पॉइंट सोर्स से
अगर हेडेड ओवर हो रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर से तो इसको पैरेलल टू इनफाइनाइट बनाता है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कॉनवेक्स लेंस ब्रिंग करता है पैरेलल लाइट रे टू फोकस, अभी हमने बताया ये पैरेलल लाइट रे आके इस पे फोकस हो रही है, तो ये भी ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हुआ। और कॉनकेव लेंस मेक क्लोजअप ऑब्जेक्ट स्मॉलर, तो अभी हमने बताया ये मेक क्लोजअप ऑब्जेक्ट स्मॉलर, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कॉनवेक्स कैन बी यूज एज मेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब ये सही है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस नहीं कॉनकेव मिरर यूज होता है एज ए मेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटी क्लोर इज ए कंपाउंड विच, पूछ रहे एंटी क्लोर कौन सा कंपाउंड। एंटी क्लोर का मतलब ही है रिमूव क्लोरीन फ्रॉम मटेरियल, मतलब क्लोरीन को रिमूव करना मटेरियल से वो एंटी क्लोर कहलाता है। रिमूव करने के लिए क्लोरीन को मटेरियल से हम एंटी क्लोर यूज करते हैं, एंटी क्लोर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, इसको वाटर में हम डालेंगे तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एंटी क्लोर का काम करता है टू रिमूव क्लोरीन फ्रॉम द मटेरियल। एंटी क्लोर इज ए कंपाउंड विच रिमूव क्लोरीन फ्रॉम ए मटेरियल। हमारा अगला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस प्रेजेंट इन एथेन क्या है। ये एल्केन है, इसका फॉर्मूला CH3CH3, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जिसकी बॉन्ड लेंथ 147 होती है। और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, ये एक तरीके की एल्कीन है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 134। डायमंड क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो हम इसको एज ए एल्केन मानते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ 147। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH, द ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ये एक तरह का एल्काइन है तो इसका बॉन्ड लेंथ इतना होता है 120। अब हम इसका घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम हम देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एल्केन की होती है, फिर एल्कीन की होती है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ एल्काइन की होती है। क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो ये पूछ रहा है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन डिस्टेंस किसमें, एसिटिलीन में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अपने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।